दादा ये मजदूर को कहाँ से छुड़ा के लाए? ये कर्नाटक से बेलगाम जिले से छुड़ा के लाए। ये दिवाली के 5 दिन बाद इनको बोर पड़ावा करके सेंधवा ब्लॉक में एक ठेकेदार है, वो इनको समझा बुझा के ले गए कि इनको दहाड़की तुम्हारी ज़्यादा पड़ेगी और 3 महीने में तुम आ जाओगे करके ले गए। ना टन का भाव बताया ना कहीं नहीं, और इनको यहाँ से उठा के कर्नाटक बेलगाम ज़िले में ले गए और वहाँ 8 दिन तक उनको बंदी बना के रखे और ना उनको खाने का साधन दिए और अनाज देते तो पैसे उनको मिलते नहीं। 40-40 हज़ार रुपये कर्जे के नाम से दिया और वहाँ जाके बस वापस पैसे वैसे कहीं नहीं, सिर पर अनाज दे दिया। तो अनाज का वह पिसाई कहाँ से करे, सब्जी कैसे लाए? तो ये कर्जे के मारे लोगों को MP छोड़ के महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कर्नाटक, तो दो तीन राज्य में इतनी दूर ले जा रहे इन लोगों को। और दिन दिन के दिन महंगाई बढ़ती जा रही और मजदूरों को बेगारी करते जा रहे। यहाँ का प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहे, यहाँ का दो तो तीन तीन मंत्री जब भी कोई ध्यान नहीं दे रहे। और लोग कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे फंसते जा रहे और लोग रोज़ की रोज़ गरीब होते जा रही। न खेती से आमदनी आ रही, नरेगा में सरकार ध्यान दे रही और नरेगा में काम करते तो 50-40 रुपये रोज़ और महीने 3 महीने में उसमें भी KYC करना पड़ता। तो इसलिए लोग नरेगा में विश्वास छोड़ के कर्ज लेके बाहर चले जाते, वहाँ जाके ठेकेदार की गुलामी करना पड़ता और कंपनी की गुलामी करना पड़ रहा। तो ये हमारे छोटे छोटे बच्चे उनकी शिक्षा से वंचित है, अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहे, न खाने के लिए उनको ढंग से अनाज नहीं मिल रहे, न नहाने के लिए, न सोने के लिए। सुबह 4 बजे से उठ के रोटी बनाना, फिर 7 बजे से खेत में चले जाना, 1 बजे रोटी खाना, फिर 7 बजे घर आना, कभी गाड़ी आ गई तो 1 बजे तक गाड़ी भरना। तो 2-3 घंटे इनको नींद आराम करने का है, नहीं तो बाकी 8 घंटे के बजाय 16-17 घंटे काम करना पड़ता। तो यही से सरकार की नीति है कि आदिवासी गरीब मजदूर के ऊपर कोई ध्यान नहीं है और नेता भी अपने अपने पल्ला सेकने के काम कर रहे और हमारे जो मजदूर किसान रोज़ की रोज़ मजदूर होते जा रहे, ज़मीन घटती जा रही और इन मजदूर के बारे में कोई यहाँ की सरकार को कोई ध्यान में नहीं है। ये कितने लोग थे और कौन से राज्य में गए थे? ये तो कितने लोग? 20 लोग हैं।